क्या आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और क्या आप अपना स्पिरिचुअल बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक स्पिरिचुअल बिजनेस ऑलरेडी है और शायद आपने अभी अभी शुरू किया है, लेकिन आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, आपको कुछ और ज़्यादा मार्गदर्शन चाहिए ताकि आप आपके जो बिज़नेस है उससे भटके नहीं, आप अच्छी तरह से अपने बिज़नेस को मेंटेन कर पाए। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको एज अ स्पिरिचुअल बिजनेस ओनर कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ओके, और हो सकता है कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल बिजनेस नहीं है, लेकिन आप भविष्य में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर करना चाहते हैं और इसीलिए आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। परफेक्ट, वेल एंड फाइन, आप देख सकते हैं। एक और बात, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिसका कोई स्पिरिचुअल बिजनेस नहीं है, ना ही आपको भविष्य में कोई स्पिरिचुअल बिजनेस खड़ा भी करना है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैं। सी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपना माइंड खुला रखकर इस पूरे वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, वरना मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप इस वीडियो को मत देखो। ओके, नहीं देखना है ये वीडियो अगर आप खुले मन से इस वीडियो में बताई गई बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें ताकि आप सब हर एक बात अच्छी तरह से समझ पाएं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। एक जो बहुत बड़ा भ्रम जो काफ़ी लोगों के मन में होता है, अब आप स्पिरिचुअल है, आपका ऑलरेडी स्पिरिचुअल बिजनेस हो सकता है, तो आपके मन में ये भ्रम शायद नहीं होगा, या तो ये भ्रम टूट चुका होगा या आप इस भ्रम के तोड़ने की कगार पर होंगे। तो जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है और जो लोग आशा करते हैं कि वो आपके पास आकर कुछ सीखें, उनको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी कि स्पिरिचुअल बिजनेस में कभी भी हर एक चीज़ आप फ्री में नहीं दे सकते हैं। ओके, मुझे पता है जितने भी लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, जिनको कोई बिजनेस नहीं करना है, वो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट्स में सबसे ख़राब कमेंट्स लिखने वाले हैं। ओके, ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ अपनी लाइफ को समझते हैं, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझते हैं। हम कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक की तरह उनकी सोच होती है, जो दूसरे इंसान को बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं। ओके, तो कभी भी कोई भी सर्विस जो भी आप करते हैं, हमेशा के लिए आप सब कुछ फ्री में नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, अनलेस कि आपके पिताजी ने आपको करोड़ों रुपए आपके लिए छोड़कर रखे हैं कि जो आपको सालों तक चलेंगे, आपके खाने पीने का खर्चा, घर का खर्चा, जो भी खर्चे हैं आपके, सारे चल जाएंगे आपके पिताजी के बैंक के अकाउंट से। ओके, और एक बात आपको बताऊं, मान लो कि आपके पिताजी ने सच में आपके लिए करोड़ों रुपए छोड़कर रखे हैं, फिर भी अगर पैसे आप एक हाथ से बस स्पेंड करते रहते हैं, दूसरे हाथ से कमाते नहीं हैं, तो बहुत वो समय दूर नहीं है कि आपके जितने भी पैसे हैं वो सारे चले जाएंगे, सारे खर्च हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बात याद रखिए कि कभी भी कुछ भी आप हमेशा के लिए फ्री में नहीं कर पाएंगे। हाँ, फ्री में चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए, बिकॉज़ अनकंडीशनली जब आप फ्री में चीज़ें देते हैं तो आपको नहीं पता कितने लोगों की आप मदद कर देंगे जाने अनजाने में। बिकॉज अगर आपने फ्री की किताबें शेयर की है, अगर आपने फ्री के वीडियोस शेयर किए हैं, फ्री के पॉडकास्ट शेयर किए हैं, फ्री में कुछ ना कुछ वेबसाइट पर शेयर किया है, तो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों में बटने वाली है, बहुत ज़्यादा शेयर की जाएगी वो सारी चीज़ें। यू नेवर नो कि इसकी लाइफ आपके द्वारा इम्प्रूव हो जाए और आपको पता भी ना चले, तो दैट इज़ गुड थिंग, अच्छी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करना। लेकिन एक और सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप हमेशा के लिए सब चीज़ें फ्री में देते रहते हैं, वो ज़्यादातर आपके द्वारा दी गई चीज़ों की कदर भी नहीं करते हैं। तो कभी ना कभी आपको पैसे ज़रूर लेने पड़ेंगे। ओके, दूसरी बात, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप सिखाते हैं लोगों को, वो पहले आपको खुद को फॉलो करना है। महात्मा गांधी जी, एक किस्सा था कि जब उनके पास एक माँ आई
और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को गुड़ खाने की बहुत ख़राब आदत है, पूरा दिन मतलब गुड़ खाते रहता है, तो आप उसको कुछ सलाह दीजिए, आपकी बात वो सुनेगा, आपने बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है, बेटे को एक हफ्ते के बाद मेरे पास लेकर आओ, और उस बच्चे को भेज दिया गया। तो तभी उनके जो सेवक हैं, महात्मा गांधी जी के आश्रम पे जो सेवक रहते थे, एक सेवक ने कहा, महात्मा जी, गांधी जी आप तो अभी भी फ्री है, आज भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपने उस बच्चे को भेजा क्यों, एक हफ्ते के बाद क्यों आने को बोला? तो गांधी जी ने उनसे कहा कि देखो, आज तक मुझे भी आदत है गुड़ खाने की, अगर मैं गुड़ खाते रहता हूँ और अगर मैं बच्चे को कुछ बताऊँगा तो वो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, वो फॉलो भी नहीं करेगा। फिर गांधी जी ने एक हफ्ते तक गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर उन्होंने उस बच्चे को सलाह दी ताकि वो जो कह रहे हैं वो सलाह वो बच्चा फॉलो करे। तो यही सेम चीज़ होती है कि जब आप वो सारी चीज़ें करेंगे कि जिसमें आप बिलीव करते हैं, तभी चलकर आपके पास जो लोग आएंगे वो भी उन सारी चीज़ों में विश्वास कर पाएंगे। ओके, सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं जानती हूँ कि पता नहीं, मतलब जो वो बताते हैं दूसरों को वो फॉलो भी नहीं करते, और फिर कुछ ना कुछ जब होता है, जब पब्लिकली सब कुछ बहुत ज़्यादा पता चल जाता है, तो काफ़ी लोग फिर ताना मार कर जाते हैं, अरे ये सब चीज़ें पहले तुम फॉलो करो, हमें क्या सिखाने आते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप स्पिरिचुअल हैं, और अगर आप अपने खुद के लेसन्स जो दूसरों को देते हैं वो आप खुद नहीं फॉलो करते हैं। तो अब जब मैंने ये कह दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में गलती नहीं कर सकते हैं। गलतियाँ हर एक इंसान करता है, आप भी करने वाले हैं, चाहे जितने भी स्पिरिचुअली आप आगे क्यों ना बढ़ जाए, बट गलती करके आपको एक बार सीख लीजिए, फिर वापस वो गलती मत कीजिए। गलती करके अपने आप को सुधारिए उस गलती में से, ताकि आप ऊपर उभर सके उसमें से। ओके, तो ये ज़रूर कीजिए। एक और बात है कि ना कहने के लिए सज्ज रहिए। ना कहने के लिए क्यों तैयार रहना है? मतलब अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, अगर आप अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सर्विस, अनकंडीशनली सेवा करने के बारे में आप सिखाने वाले हैं, दुनिया का उद्धार करने वाले हैं, तो वहाँ पर अनकंडीशनली होना चाहिए ना, वहाँ पर थोड़ी आपको किसी को मना करना है। देखो, ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग आपको बताएंगे। ओके, जब आप उनको मना करेंगे तो कोई ना कोई आपको ये बात डेफिनेटली सुना कर जाएगा। लेट मी टेल यू, सी, भले आप कितने भी स्पिरिचुअली हाई लेवल पर हैं, भले आप कितना ही मतलब शुद्ध भाव है आपका कि आप स्पिरिचुअल अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, एज अ बिजनेस ओनर और एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, जो भी आप हैं, आप में और कोई भी दूसरे बड़े बिजनेस ओनर में कोई फ़र्क नहीं है। आप में और जो फॉर्ब्स में टॉप 10 के रिचेस्ट पीपल हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कैसे? आपके पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं, उनके पास भी दिन के 24 घंटे हैं। आपके पास भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनके पास भी हफ्ते में 7 दिन है। तो कुछ लिमिटेशन होगा कि जब आपको मना अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप 24 घंटे के लिए आप अनकंडीशनली सेवा नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसा समय अवश्य होगा कि जब आपको सेवा के भाव में से अपने आप को हटाकर आपको अपने माइंड बॉडी सोल उसके पीछे काम करना पड़ेगा। देखो, भले स्पिरिचुअली अनकंडीशनल सब कुछ होना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अनलिमिटेड है और अनकंडीशनल है, लेकिन शरीर की जो दुनिया है, भौतिक जो दुनिया है वो लिमिटेड है। भौतिक जो दुनिया है वहाँ पर पाबंदियाँ होती हैं। ओके, तो इसीलिए जब दिन ख़त्म होगा तो आपको भी आराम करने की आवश्यकता होगी, आपको भी समय पर भोजन लेने की आवश्यकता होगी, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर आराम करना, और समय पर अपने आप को कुछ अच्छा पोषण देना आध्यात्मिक, कि जिसके लिए आप अगले दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, और ये देखो, ये जो लोग हैं कि जिनका इतना छोटा सा पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया, अगर कोई व्यक्ति बहुत नैरो माइंडेड है
तो वो तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप कहेंगे भाई आज का दिन ख़त्म हो गया कल आइए, तो वो कहेंगे अगर आपके अंदर पावर होता तो आप 24 घंटे सर्विस देने के लिए तैयार होते। तो देखो, जिस व्यक्ति की मेंटालिटी कुएं के मेंढक जैसी है, आध्यात्मिक लेवल पर उसने इतना भी कभी प्रयास नहीं किया है, कुछ भी इतनी सी बात कभी समझने की कोशिश नहीं की है, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। और उनके कहने पर आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना है, तो अपना जो टाइम स्केड्यूल है अच्छी तरह से सेट करना है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करते हैं, उनका टाइम का स्केड्यूल है 9 से 5, 10 से 6, तो आपको भी अपना टाइम का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। एक टाइम था कि जब मुझे भी ये सब लगता था कि अनकंडीशनली किसी भी समय के लिए लोगों को सेवा देनी चाहिए, तो आई यूज़ टू डू दैट, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, सुबह के 5 बजे, कभी कभी अगर लोग मुझे बोलते थे तो मैं उनके टैरो रीडिंग उस समय पर भी करके देती थी। फिर वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको खुद के लिए जो समय देना होता है, वो समय आपको देना आवश्यक ही है। खुद को समय देंगे तभी दूसरों को क्वालिटी टाइम दे पाएंगे। और अपने आप को समय देना सीखिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि जो कभी भी लोग जैसे कॉल करके पूछते हैं, अरे तू फ्री है? हाँ हाँ फ्री है, आ जाओ। तो खुद के लिए कोई टाइम नहीं है, पूरा दिन का स्केड्यूल ख़त्म हो गया, फिर थोड़ा सा टाइम बचा है तो चलो चलो एक और क्लाइंट ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो समय आपके लिए है वो समय आप ही के लिए रखिए। अनलेस कि आपने दुनिया त्याग दी है, आप जंगल में रह रहे हैं और जंगल में रहकर आप अनकंडीशनली लोग लेते हैं, आपको रेडीमेड खाने में भिक्षा मिल जाती है कि जिससे आपका पूरा दिन का गुजारा चलता है, आपके पास जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ आपके पास है और आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप अनकंडीशनली 24 घंटे सबको दे सकते हैं, जिस समय पर जिसको आना है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, अगर आपकी फैमिली है, अगर आपकी खुद की लाइफ है, आप इस नॉर्मल सांसारिक जीवन में रहते हैं, तो आपको नॉर्मल सांसारिक व्यक्ति जिस तरह से जॉब करता है, जिस तरह से जॉब से वापस आता है, उसी तरह से आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। काम ख़त्म हो गया, घर आकर फैमिली को टाइम दो, फैमिली में फैमिली के मेंबर बनो। पूरे दिन आप स्पिरिचुअल टीचर का चोला पहनकर नहीं घूम सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आज के लिए वीडियो। मुझे पता है इसके अलावा बहुत ज़्यादा और बातें हैं कि जो आपको जाननी है, जो भी आपको जानना है, जो मैंने मिस आउट कर दिया है इस वीडियो में, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वो कैसे करना है। ओके, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।